محمد بشر لا كالبشر بل هو كاليهود بين الحجر. क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं जो उससे बेहतर है जो तुम मुझसे मांग रहे थे? दोनों के हाँ कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये कलमात मुझे जिब्राइल ने सिखाए हैं। तुम हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 10 मरतबा पढ़ा करो और 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, और जब सोने लगो तो यही अल्फाज 33-33 मरतबा दोहराया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आने वाले सालों में कहा करते थे कि उस दिन के बाद कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों को ये अल्फाज सिखाए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा मैंने इन्हें ना पढ़ा हो। इंसानी हस्ती पर हम 3 बुनियादी जिहाद, 3 अकालीम या 3 दर्जात-ए-वजूद के हवाले से गौर कर सकते हैं। इसमें खारिज की जहत का ताल्लुक उसके ज़ाहरी अमल से है और इंसान की दाखली शख्सियत जिसके 2 पहलू हैं उसका ताल्लुक उसके इल्म फहम और नीयत और इरादे से है। हदीस जिब्राइल में इन 3 जिहाद को 3 अलग-अलग नाम दिए गए हैं। इससे हमारे सामने एक तस्वीर खिंच जाती है और ये बात सामने आ जाती है कि इस्लाम की नज़र में दीन 3 मरकज़ी और बुनियादी अनासिर का नाम है। उसकी 3 जिहाद हैं, यानी इस्लाम एक सहगाना हकीकत है। हदीस जिब्राइल यही तो बताती है कि इस्लाम और इस्लाम की निगाह में दीन अमल के सही तरीक़ों, सोचने और जानने के सही अंदाज़ और अमल के लिए सही इरादा और नीयत के करीने, तीनों चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल, फहम और नीयत तीनों को अलग अलग उन्वान दिया है। इस्लाम दीन का वो हिस्सा है जिसका ताल्लुक अमल खारजी से है। ईमान वो हिस्सा है जो फ़िक्र और फहम से मुताल्लिक है, और एहसान वो हिस्सा है जो नीयत और इरादे से मरबूत है। दीन की ये 3 जिहाद मिलकर बहम वो हकीकत वाहिदा बनती हैं जिसे हम अल इस्लाम के नाम से जानते हैं। तीसरी और सबसे गहरी जहत एहसान के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्राइल में यूं फरमाया था कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत यूं करो गोया उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। अल्लाह की नज़र में रहने का ये हमा वक्त एहसास, ये रूबरूई का वजदान, यही इस्लामी रूहानियत है। इस्लामी रूहानियत इंसान की फितरत असली के उस्तवार होने और फ़ाल हो जाने का नाम है। इंसानी फितरत हुजूरी की असास पर है जबकि उसकी खिलकत की बुनियाद गयाब है। फितरत को खिलकत पर गालिब करना यही इस्लामी रूहानियत है। इंसान अपनी फितरत के गलबे के साथ था तो जन्नत में था, क्योंकि जन्नत हुजूरी की जगह है। दुनिया में आया तो अपनी खिलकत की बुनियाद पर गयाब पर उस्तवार हुआ। फितरत मगलूब और खिलकत गालिब हुई। इंसान को उसके कम अज़ कम जन्नती अहवाल तक लौटा देना
यही इस्लामी रूहानियत है। कुराने मजीद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, तरबियत और तज़किये के ज़िम्न में फ़रमाया कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, कि वो उनको किताब यानी कानून की भी तालीम देते हैं और हिकमत की भी। आ हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल किताब यानी कानून के कायदे करीने के भी मुअल्लिम थे और हिकमत यानी फहमे सलीम और हुस्ने नियत और इखलासे अमल के भी मुरब्बी थे। जो हिकमत आप सिखाने आए थे वो सिर्फ अकली या इखलाकी नहीं थी बल्कि इससे बढ़कर रूहानी भी थी। इस हिकमत का मंशा ये था कि मारिफत खुदावंदी शऊर का मरकज़ बन जाए, रूबरूई का एहसास रासिख हो जाए और अल्लाह की नज़र में रहने का विजदान दायमी और मुस्तकिल बन जाए। हिकमत ईमानिया का मतलब यही है कि शऊर की ईमानी एहसास को उसकी हर दूसरी जहत पर गलबा हासिल हो जाए, और हिकमत ही वो रूहानियत है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकवाल से भी मुंतकिल की और उसके अहवाल भी मुंतकिल किए। यही सबब है कि तज़किये का हर अमल जो आपसे निस्बत रखता है उसके लिए ज़रूरी था कि जो आप फरमाएं, जो बताएं, उसके अहवाल भी मुंतकिल कर दें। इस्लामी रूहानियत भी आपके इत्तेबा में अकायद को अहवाल बनाने की कोशिश और सही करती है। ये दर्जा अल्लाह की तरफ एक आशिकाना, एक ख़ाशियाना और एक आरिफाना यकसुई का नाम है। ज़ात को मकसूद बनाकर और अहकाम को अपनी फितरत का मुतालबा जानकर बंदगी इख्तियार करना और उसके मरातिब तय करना, ये इस्लामी रूहानियत की बुनियाद है। ज़ात के साथ निस्बत बुनियादी है और सिफात से निस्बत ज़िमनी है। ज़िमनी को बुनियादी निस्बत का वसीला बनाना ये रूहानियत का अमल है। ज़ात हक की जानिब ऐसी यकसुई जिसे ना कुर्ब ज़ायल कर सके और जिसे ना दूरी मुतासर कर सके, जो दुनिया में भी बरकरार रहे, जो जन्नत में भी हासिल रहे, यहाँ भी उसी की तरफ देखा करे, वहाँ भी ऊपर ही देखा करे। इस्लामी रूहानियत वो इल्म या मारिफत है जिसमें आलिम हाजिर गायब हो जाए और मालूम गायब हाजिर हो जाए।